वेलकम टू कैप्टन एंड डिफेंस। वेलकम टू कैप्टन एग्रो। नामकरण की इस पद्धति में, नामकरण की इस पद्धति में आप ये देखिए, अभी उस दिन यानी कि अपनी जो पिछली वाली जो क्लास थी उसमें रूढ़ पद्धति का टॉपिक हो चुका था अभी, है ना। तो रूढ़ पद्धति में कुछ टॉपिक ऐसे थे जो यानी कि बाकी रह गए थे भी यहाँ से, ठीक है। और रूढ़ पद्धति उस दिन यानी कि अपन ने रूढ़ पद्धति के सामान्य जो इनके प्राकृतिक स्रोत से उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में उस रूढ़ पद्धति में बात करेंगे अपन, उसमें सामान्य समूह, नियो समूह, आयुष समूह के बारे में पढ़ लिया था अभी, ठीक है। अब आप ये देखिए, यदि यहाँ से बात की जाती है तो आप दोबारा से देखिए भी, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति, ध्यान देना भी, अगर बात की जाती है यहां से तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति, ठीक है भाई। यहां से देखिए इनके नामकरण की पद्धति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो पहली पद्धति क्या होती है भाई, यहां से रूढ़ पद्धति होती है। वैसे अगर बात की जाए जो रूढ़ पद्धति होती है तो इसमें से यानी कोई क्वेश्चन वगैरह तो कम ही किया जाता है, लेकिन रूढ़ पद्धति को हमें पढ़ना आवश्यक होता है भाई यहां से। रूढ़ पद्धति को हमारे लिए यहां से पढ़ना आवश्यक होता है। रीजन क्या होता है, इस रूढ़ पद्धति के अंतर्गत बात की जाए, है ना, तो रूढ़ पद्धति को हमारे लिए पढ़ना आवश्यक होता है। और इस रूढ़ पद्धति के अंतर्गत बात की जाए तो ऐसे कहीं यानी कि, तो उस रूढ़ पद्धति के आधार पर IUPAC नाम पूछ लिया जाता है। जैसे यानी कि पिछले सालों में क्वेश्चन आया था कि नियो पेंटेन का आप IUPAC नाम लिखे भी, ठीक है। नियो पेंटेन का IUPAC नाम है, ये क्वेश्चन आया था भी। अब ये क्वेश्चन आया था तो हमें यानी कि नियो पेंटेन कब लिख सकते हैं, जब यानी कि हमें इस रूढ़ पद्धति के बारे में पता हो, जब जाकर इसका नाम लिखा जा सकता है। नियो पेंटेन का IUPAC नाम लिखिए भी यहां से, तो इसके बारे में जब लिखा जा सकता है, आप यहां से ध्यान देना भी, यदि बात की जाती है तो इस प्रक्रिया में यहां से हम बात करते हैं, रूढ़ पद्धति की हम बात करते हैं भी यहां से। तो अगर आप ये देखोगे भी इस रूढ़ पद्धति के अंतर्गत, तो इसका यहां से नियम नंबर वन था, तो इस नियम नंबर वन में हमने ये कहा था कि जिन पदार्थों को जिनकी सहायता से खोजा जाता है तो नाम उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर रख दिया जाता है, जो कि यानी कि मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका था आपको, यानी कि नेचुरल सोर्स उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर यानी कि किया जाता है, नामकरण उसके आधार पर दिया जाता है, जो मैं आपको यानी कि जो पिछले वाले वीडियो है तो उनमें आपको बता चुका हूं भाई मैं, ठीक है। यहां से देखिए आप, हम नियम नंबर टू की बात करते हैं, और नियम नंबर टू में देखो, रूल नंबर टू में, यदि कार्बन यौगिकों की श्रृंखला एकदम लंबी सीधी हो, यदि कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला क्या हो, एकदम लंबी सीधी हो, तो उनके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, स्मॉल एन का उपयोग कर दिया जाता है भी यहां से। उनके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, स्मॉल एन का उपयोग कर दिया जाता है। और यहां से देखो आप, एकदम जो लंबी सीधी श्रृंखला होगी भाई, तो यहां से हम बात करेंगे तो CH3, यहां से CH2, यहां से CH2 और यहां से CH3 भाई, ठीक है। बात की जाती है यहां से तो देखो आप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, कितने कार्बन है, यहां से चार कार्बन है, और चार कार्बन है तो इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन, क्लियर बात, ध्यान दे, एकदम लंबी सीधी श्रृंखला है तो आगे क्या कर दिया जाता है, स्मॉल एन लगा दिया जाता है। रूढ़ पद्धति की एक खास विशेषता होती है, इसमें जितने भी कार्बन होते हैं सब कार्बन को लिया जाता है, ठीक है भाई, ध्यान इधर दें, ध्यान दे बच्चों इधर। यहां से मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं भी मैं, यहां से देखिए आप, CH3 है, CH2 है और ये CH3 है भी यहां से, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, कितने कार्बन है इसमें, तीन कार्बन है, मेथ, एथ और यहां से प्रोप है, तो पीछे क्या लिख देंगे भाई, यहां से एन प्रोपेन, ठीक है भाई, तो पीछे क्या लिख देंगे हम, यहां से एन प्रोपेन लिख देंगे भाई यहां से, क्लियर बात। अब सुनिए भाई यहां से, तो यानी कि जो नामकरण को क्या किया जाता है, तो यानी कि उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर रख दिया जाता है। जैसे मैंने बात की थी मैथेन है, तो मैथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस, क्यों, क्योंकि इसे किससे प्राप्त किया गया था, मार्स स्थानों से प्राप्त किया गया था। बोले भाई किससे प्राप्त किया गया था, मार्स स्थानों से, और मार्स स्थानों को क्या कहा जाता है, दलदली इलाके कहा जाता है।
यहां से हम बात करेंगे CH3OH। अब आप ये देखें, जैसे मैं बात करता हूं यहां से CH3OH की बात करता हूं, ये पर्दे हटा दो, यहां से देखिए मैं जैसे CH3OH की बात करता हूं, वीडियो में देखना सही तो दिख रहा है, अगर मैं CH3OH की बात करता हूं तो CH3OH में देखो आप इसके भी तीन नाम होते हैं, है ना, CH3OH के भी तीन नाम होते हैं। कैसे नाम होते हैं यदि बात की जाए तो यहां से देखो इसे, यानी कि अगर बात करेंगे अपन CH3OH को तो इसका नाम यहां से मैथिल एल्कोहल भी है। अभी यहां से देखिए क्या नाम इसका, मैथिल एल्कोहल भी है। दूसरा नाम प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर रखा जाता है, तो क्या भी यहां से कास्ट स्प्रिट भी है अभी, है ना, प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर रखा जाता है तो क्या भी यहां से कास्ट स्प्रिट है भी है, क्लियर बात। इसके बाद में मैथिल एल्कोहल के बाद में हम बात करेंगे भी यहां से, तो फिर इसका नाम क्या भी यहां से हम बात करेंगे, तो आप यहां से ध्यान देना अभी देखिए, अभी अगर इसके नामकरण की बात कर ली जाती है तो आप ये देखिए इसका नाम कार्बिनोल है भी। व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, कार्बिनोल होता है, और ऐसे बात की जाए तो IUPAC पद्धति में क्या होता है, इसका नाम मेथेनोल होता है भी यहां से, है ना, IUPAC पद्धति में क्या नाम होता है इसका भी यहां से, मेथेनोल होता है भी, ठीक है। बात की जाती है यहां से CH3OH की बात की जाती है, तो यहां से देखो आप मेथिल एल्कोहल भी, ठीक है, रूट पद्धति में क्या इसका, मेथिल एल्कोहल, यहां से व्युत्पन्न पद्धति में क्या है, कार्बिनोल, और IUPAC पद्धति में क्या है, मेथेनोल, ठीक है भी। वैसे बात की जाए तो प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर क्या होता है, कास्ट स्प्रिट होता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों के पास समस्याएं थी कि भाई कौन सा नाम किस आधार पर रखा जाए और किसको यानी कि मान्यता दी जाए। तो यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या कहा, यानी कि जो नाम दिया जाएगा वो किसके आधार पे दे, अपन यहां से कास्ट स्प्रिट क्या, यानी कि IUPAC पद्धति के आधार पे दें, और IUPAC पद्धति अपवाद रही थे, इसका कोई अपवाद नहीं है भाई, है ना, अपवाद रही थे, और सबसे मान्य पद्धति भी क्या होती है, IUPAC पद्धति होती है भाई, ठीक है। चले भाई हम रूट पद्धति के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए भाई, तो यहां से इसके नॉर्मल समूह के बारे में बात की भी, है ना, नियम नंबर टू में चल रहे थे भी अपन, तो देखिए भी इसमें एक समूह होता है यहां से आइसो समूह होता है भी, पर्दे को लगा दो, इसमें एक समूह होता है यहां से आइसो समूह होता है, आइसो ग्रुप, ठीक है भी, यहां से एक समूह क्या होता है, आइसो समूह होता है, आइसो ग्रुप होता है। आइसो ग्रुप में देखिए भी, जब एक कार्बन क्या होता है, यहां से CH समूह जो होता है दो CH3 समूह से जुड़ा हुआ रहता है, एक CH समूह दो CH3 समूह से जुड़ा हुआ रहता है भी यहां से, देखिए आप, है ना, और एक संयोजकता इस तरह से फ्री हो रहती है भी, तो इसे क्या कहा जाता है भी यहां से, आइसो ग्रुप कहा जाता है भी है, ठीक है, है ना, इसे क्या कहा जाता है भी यहां से, आइसो ग्रुप कहा जाता है भी, है ना, आइसो ग्रुप कहा जाता है भी यहां से। अगर बात करें अपन यहां से, तो देखिए भी मैंने इस तरह से लिखा है CH3, यहां से CH और ये CH3 और यहां से CH3 है भी। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आप एक बार देखो भी, यहां से पूरा एक ग्रुप है, तो किसका ग्रुप है, आइसो का ग्रुप है भी, यहां से किसका ग्रुप है, यहां से आइसो का ग्रुप है, तो 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है भाई, तो कितने हो गए भी यहां से, 4, और 4 हो गए, तो फिर नाम क्या है इसका भी, यहां से आइसो, और कितने कार्बन है यहां से, 4, तो 4 कार्बन है, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूट प्लस एन, तो नाम क्या बनेगा भी इसका, आइसो ब्यूटेन, ठीक है भाई। इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो यहां से देखो आप CH3 CH CH2 और ये CH3 भी, और यहां से क्या होता है भी, ये CH3 होता है भी, ठीक है। आप एक बार देखो इसमें बात की जाए तो यहां से क्या होता है, आइसो, ठीक है, यहां से क्या होगा, ये आइसो होगा भी, और आइसो होगा तो आप एक बार देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई, यहां से क्या है, 5, है ना, तो फिर नाम क्या होगा इसका, आइसो पेंटेन, ठीक है भाई, नाम क्या होगा इसका, आइसो पेंटेन होगा भी, क्लियर बात। चले आगे की बात करते हैं अपन, यहां से इसका नाम क्या होगा भी, यहां से आइसो पेंटेन होगा। अब आइसो के बाद में यहां से बात की जाती है, तो सुनिए भाई मेरी बात, देखिए आइसो पेंटेन हो गया, अब आइसो के बाद हम बात करेंगे भाई नियो समूह की बात करेंगे भाई, है ना, यहां से किसकी बात की जाती है भाई, यहां से नियो समूह की बात की जाती है भाई, ठीक है, यहां से हम किसकी बात करेंगे, नियो समूह की बात करेंगे, जिसमें एक कार्बन क्या होता है, यानी अपवाद,
इसमें एक कार्बन क्या होता है, भी यहां से बात की जाए तो देखिए भी यहां से एक कार्बन अन्य चार कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है भी। अब इसकी बैलेंस शीट को पूरी कर ली जाए तो यहां से क्या होता है CH3, यहां से भी CH3, यहां से भी CH3 और यहां से भी CH3, और इसकी एक संयोजकता क्या होती है भी यहां से फ्री रहती है भी यहां से, है ना। और जैसे बात की जाए तो आइसो समूह का एक अपवाद आता है भी यहां से, और जो मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका था यहां से आइसो ऑक्टेन, है ना, आइसो समूह का एक अपवाद आता है जो क्या होता है आइसो ऑक्टेन होता है भी। क्लियर बात, तो आप इसको यानी पिछले वाले वीडियो में देखिए भी, मैं आपको उस वाले वीडियो में बता चुका हूं यहां से आइसो ऑक्टेन के बारे में। क्लियर बात, अब आप यहां से ध्यान दें, अगर बात की जाती है तो आइसो ऑक्टेन है ना, तो अब आप ये देखिए भी यहां से तो एक संयोजकता क्या होती है भी यहां से खुली हुई रहती है, तो यहां से CH2 और इधर क्या हो जाता है भी यहां से CH3 हो जाता है भी यहां से, ठीक है ना। अब देखो भी एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से मिलकर बना होता है भी यहां से चार कार्बन से, एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से चार कार्बन से, टोटल कितने कार्बन हो गए आप एक बार देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें जितने भी कार्बन होते हैं सब कार्बनों को इसमें गिना जाता है भी, ठीक है, जितने भी कार्बन हो उन सब कार्बनों को गिना जाता है। और यहां से देखो हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा भाई इसका नियोहेक्सेन, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है भी यहां से नियोहेक्सेन हो जाता है। क्लियर बात, ठीक है भाई, चले भी आगे यहां से हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा भी यहां से नियोहेक्सेन हो जाता है। अगली हम बात करेंगे तो अगली प्रोसीजर में आप ध्यान दो भी यहां से देखिए भी नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 की हम बात करते हैं, सॉरी नियम नंबर 3 है ना, यहां से देखो आप नियम नंबर 3 और नियम नंबर 1 है और नियम नंबर 2 है, उनको मैं आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं मैं, ठीक है, लेकिन यानी कि जो रूट पद्धति है तो एक साथ ही क्या हो जाएगी इस वाली पद्धति में हो जाएगी भाई। आपके जेट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है रूट पद्धति, रूट पद्धति में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और कहीं ये कहते हैं रूट पद्धति हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप पिछले वाले यानी कि आप पेपर उठा के देखिए नियोपेंटेन का IUPAC नाम लिखो, है ना, आइसो यानी कि आइसो हेप्टेन की संरचना बनाकर उसका IUPAC नाम लिखिए, पिछले आप पिछले सालों के पेपर में देखिए आपको यानी कि क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, आपसे क्वेश्चन पूछे गए आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखिए इसका यानी कि जेट का सही तरीका क्या है आप ये देखिए भी। यानी कि अगर बात की जाए तो जैसे BHU है, ICR है और जेट है, इसके 5-5 साल के जो पहले के जो पेपर हैं, है ना, यानी सन 2015 से लेकर जो अभी तक हुए जितने भी पेपर, उन सब पेपरों को आप सोल्व कर लीजिए। जेट में मैं कह रहा हूं कम से भी कम आप ये देखिए 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर, केमिस्ट्री के नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर तीनों सब्जेक्टों के मिलाकर आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप ये देखिए भी। लेकिन वो क्वेश्चन भी कैसे होने चाहिए भी, याद होना चाहिए हमें, ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, क्वेश्चन घूम के आएगा उनमें से आएगा, लेकिन आप ये देखिए लगातार आप यानी कि 8 से 10 सालों की आप केमिस्ट्री के पेपर ले लीजिए और उनको सोल्व कर लीजिए, मैं गारंटी देके कह रहा हूं 10-12 क्वेश्चन तो उनमें से बैठ जाएंगे। बचे क्या 10 केमिस्ट्री, तो आपके 10 क्वेश्चन तो सोइल केमिस्ट्री के हैं और 20 क्वेश्चन ही बचे, तो आप यानी कम से भी कम यानी कि जो जेट ICR में आंकड़ा किसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए भी यहां से, है ना, कम से भी कम 30 क्वेश्चन तो आने चाहिए, आप 40 क्वेश्चन में से भी कम 30 क्वेश्चन तो आना जरूरी है, जब जाकर आप ये सोचिए जब जाके हमें टॉप मोस्ट कॉलेज मिल सकता है भी आप ये देखिए। और एग्जाम होगा जब IIT का, NIT का, अगर इनका एग्जाम हो रहा है ना तो फिर जेट ICR का भी एग्जाम होगा। ICR की डेट आ गई, इसके साथ में BHU की भी आ गई और इसके साथ में धीरे धीरे जेट की डेट भी आ जाएगी, क्योंकि यानी कि अब कोरोना तो गया, अब हमें क्या करना, बस आगे बढ़ना है। कोरोना तो गया, कोरोना तो यानी कि आप ये देखना यानी कि सबका ध्यान हट जाएगा, महीने भर से महीना भर होगा जिसमें सबका ध्यान हटने लग जाएगा कोरोना पे से, कहां तक लेकर बैठे रहेंगे हम कोरोना को, आगे बढ़े जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे जब पार पड़ेगी ना, अन्यथा यानी कि इस तरह से रह जाएंगे भाई पीछे। तो आप ये देखिए यानी कि जो रूट पद्धति की हम बात कर रहे थे तो इस रूट पद्धति के आधार पर क्या किया जाता है, IUPAC पद्धति का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है अभी यहां से, ठीक है। देखिए वाकई में किसी ने यह सच कहा है
को वाकई में ये अपन पढ़ाई करते हैं तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप और हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई दुख देती है, ये पढ़ाई क्या करती है, दुख देती है। लेकिन हम इस दुख को झेलते रहे ना तो आने वाले भविष्य में यही दुख हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी भाई, है ना। आने वाले समय में यही पढ़ाई हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आप ये देखिए, दुनिया की वो हर चीज जो आप पाना चाहते हो, आप यानी बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो सब कुछ किसी अंदर मिल सकता है, आपको एजुकेशन फील्ड के अंदर मिल सकता है। आप ये देखिए भाई, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, दुख तो झेलना पड़ेगा, और इस दुख को आप झेलते रहे तो यही पढ़ाई आपकी आकर भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी भाई। और नहीं मानो तो जो यानी कि सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी भाई, और नहीं मानो तो जो यानी कि सफल हुए हैं आप उनसे पूछ के देखिए। क्लियर बात। देखिए मैं नियम नंबर 3 की बात करता हूं। यदि यहां से क्या होता है भी, ये मेरे पास CH4 है, मैथेन है, इनमें से क्या होता है एक हाइड्रोजन क्या होता है भी यहां से बाहर निकल जाता है भी, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, जैसे इसका नाम मैथेन है, क्लियर बात, यहां से ध्यान देना, इसका नाम जैसे मैथेन है तो यहां से क्या कर दिया जाता है, एन को हटाकर इसके स्थान पर इल जुड़ जाता है, तो क्या नाम हो जाता है भाई, CH3। और CH3 का क्या नाम है भी, यहां से मेथिल नाम है भी, है ना। तो ये CH3 है और CH3 का क्या नाम है, मेथिल है भी यहां से। क्लियर बात। यहां से एन को हटाकर क्या किया जाता है, इल को जोड़ दिया जाता है भी यहां से, ठीक है। एन को हटाकर क्या किया जाता है, यहां से इल को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा C2H6, और C2H6 को मेथेन है और क्या भी यहां से, एथेन है भी यहां से, है ना, एथेन है। और एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, यहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन को हटा दिया भी तो क्या बन जाता है भी, यहां से C2H5 बन जाता है। और C2H5 का क्या नाम होता है भी, यहां से एथिल नाम होता है भी यहां से। क्लियर बात। इसका क्या नाम होता है, एथिल नाम होता है भी। मैथेन है, एथेन है और प्रोपेन है, तो C3H8 है, मैथेन, एथेन और ये प्रोपेन है भी यहां से। अगर बात की जाती है भी यहां से, तो यहां से क्या होता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है भी, और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या बनेगा भी यहां से, C3H7 बनेगा, मैथेन है, तो इसे क्या कहा जाता है भी यहां से, प्रोपिल कहा जाता है, ठीक है भी। तो इसी प्रकार से क्या होता है यहां से, आप एक बार देखो भी, यहां से बात की जाए तो ये मैथिल है भी, है ना, मिथाइल, यानी कि इंग्लिश मीडियम में इसको मिथाइल कहा जाता है, इंग्लिश में से मिथाइल कहा जाता है, इसको इथाइल कहा जाता है भी यहां से, देखिए आप, है ना। और इसको यहां से क्या कहा जाता है, प्रोपाइल कहा जाता है भी यहां से, ठीक है। देखिए मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल होते हैं भी यहां से। क्लियर बात। जब क्या किया जाता है, इनके आगे जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होते हैं, प्रतिस्थापी समूह होते हैं, तो प्रतिस्थापी समूह को जोड़ दिया जाए, है ना। तो यहां से क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होते हैं, ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं यहां से, तो प्रतिस्थापी समूह OH को क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है भी यहां से, ठीक है। OH को क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है भी यहां से। इसके बाद में यहां से बात की जाए, Cl है, तो Cl को क्या कहा जाता है यहां से, क्लोराइड कहा जाता है भी यहां से, ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, क्लोराइड कहा जाता है। इसके बाद में फ्लोरो की बात की जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरो कहा जाता है भी यहां से, ठीक है भाई, फ्लोरो। इसके बाद में बात की जाए तो Br को, इसको इसको क्या कहा जाता है भी यहां से, ब्रोमो कहा जाता है, ठीक है। और इसकी बात की जाए यहां से I, तो I को क्या कहा जाता है भी यहां से, आयोडो कहा जाता है भी, ठीक है। I को क्या कहा जाता है भी यहां से, आयोडो कहा जाता है ना भाई। इस तरह से हो गया भी यहां से। अब आप ध्यान देना भाई, अगर OH को एल्कोहल, Cl को क्लोराइड, F को फ्लोरो, Br को ब्रोमो और I को क्या कहा जाता है भी यहां से, आयोडो कहा जाता है भी, है ना। आई को क्या कहा जाता है भी यहां से, आयोडो कहा जाता है। अब आप यहां से ध्यान देना भी, जैसे मैं यहां से बात करता हूं, इसके एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं, तो एग्जांपल्स में ध्यान देना भी, जैसे मैंने लिखा भी यहां से CH3OH लिखा भी यहां से, ध्यान देना एग्जाम्पल में, ध्यान देना मैंने ये लिखा यहां से CH3OH लिखा भी, तो CH3 का नाम क्या होता है भी यहां से, मैथिल होता है भी यहां से, ठीक है। और OH का नाम क्या होता है, एल्कोहल होता है, तो नाम क्या हो गया भी इसका यहां से, मेथिल एल्कोहल, ठीक है भी, नाम क्या हो गया इसका भी यहां से, मेथिल एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से यहां से बात की जाए तो मेरे पास यहां से क्या भी है, CH3 है और CH2 है, तो CH3 और CH2 की बात कर ली जाए तो क्या होगा भी यहां से, C2H5 होगा भी, है ना। CH3 CH2 की बात कर ली जाए तो क्या होगा, C2H5 होगा भी यहां से। और पीछे क्या किया जाता है, Cl लगा दिया जाता है,
तो नाम क्या होगा अभी यहां से, एथिल क्लोराइड होगा अभी यहां से, है ना। अभी नाम क्या होगा इसका, यहां से एथिल क्लोराइड होगा अभी यहां से, क्लियर बात है ना भाई। यहां से हम बात करेंगे तो ये लगा दिया अभी यहां से, तो ये देखो आप यहां CH3 CH2 CH2 और यहां से मैंने OH लगा दिया अभी, तो नाम क्या लिखेंगे भाई इसका, मेथ एथ प्रोप और है ना। तो यहां से नाम क्या हो जाएगा भाई इसका, यहां से प्रोपिल एल्कोल हो जाएगा अभी यहां से, है ना। नाम क्या हो जाएगा भाई इसका, यहां से प्रोपिल एल्कोल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या भी यहां से इथाइल क्लोराइड, है ना। इसका नाम क्या भी यहां से इथाइल क्लोराइड है भी, ठीक है। और इसका नाम क्या भी यहां से है, प्रोपाइल एल्कोहल है भी यहां से, क्लियर बात। इसका नाम क्या भी यहां से, प्रोपाइल एल्कोहल है भी, क्लियर बात। अब ये सुनिए भी यहां से, है ना। तो भी बच्चों ध्यान दो, और बिल्कुल यानी कि मैं आपसे आशा करता हूं यानी कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा भी, ठीक है। आपको ये वीडियो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ में कब आएगा, जब हम बिल्कुल ध्यान देंगे भी। ये बायोलॉजी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, जो पढ़ने पर डायरेक्ट कंप्लीट हो जाए। इसमें क्या होता है, किसी भी वीडियो को देखने के लिए पिछले वाले वीडियो का लिंक मांगता है, किसी भी वीडियो को देखने के लिए पिछले वाले वीडियो का लिंक मांगता है। और पिछले वाले वीडियो का अपन लिंक देते हैं ना, जब जाकर अगर वो लिंक याद रहता है तो हमें बिल्कुल एजिटिव समझ में आने लग जाता है यहां से, देखिए आप। और केमिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर ये धीरे धीरे अगर समझ में आने लग गई ना तो वाकई में फिर आने लग जाते हैं, फिर इससे तो बढ़िया सब्जेक्ट हमें लगता ही नहीं है। लेकिन कब, यानी कि जब हमें यानी कि पीछे का जो बेसिक होता है हमारा कंप्लीट होता है ना, जब जाकर समझ में आता है यहां से, ठीक है भाई। मैं यहां से नियम नंबर 4 की बात करता हूं मैम, देखिए भाई यहां से ध्यान दें। अगर हम यहां से नियम नंबर 4 की बात करते हैं, और इस नियम नंबर 4 में आप यहां से ध्यान देना भाई, देखिए अगर यहां से बात की जाती, इस नियम नंबर 4 की बात की जाती है, तो आपने देखा होगा, देखिए भाई यहां से इस नियम नंबर 4 की, और इस नियम नंबर 4 में देखिए आप, सुनिए मेरी बात, आपने कभी देखा होगा ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और ये 4 डिग्री है। यहां से कार्बन की क्या की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है भी, ठीक है। यहां से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन की क्या की जाती है, पहचान की जाती है भी यहां से, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन की क्या की जाती है, यहां से पहचान की जाती है भी, क्लियर बात। और इस पहचान में देखिए आप, तो यानी कि कार्बन की पहचान कैसे की जाती है, यहां से ध्यान दें। यहां से जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, कार्बन कार्बन, और इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ध्यान दे भाई बच्चों बोर्ड पे, देखिए भाई। और यहां से कार्बन है सी है, और ये कार्बन है, और यहां से सी है, यहां से बात की जाए सी है, और ये भी सी है भी, यहां से बात किया है सी, और यहां से ये भी सी है भी, क्लियर बात। और यहां से ध्यान देना, ये भी सी है, और यहां से ये भी सी है भी, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना भी, अगर हम बात करेंगे तो देखिए भी यहां से सी, और ये भी कार्बन, और ये भी कार्बन, क्लियर बात। अब सुनना भी यहां से, अगर बात कर ली जाती है तो आप इस प्रक्रिया में ध्यान देना भी। जब एक कार्बन क्या होता है, अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है भी। एक कार्बन क्या होता है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे 2 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे क्या कहा जाता है, 3 डिग्री कहा जाता है, और एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसे क्या कहा जाता है, 4 डिग्री कहा जाता है, क्लियर बात। चले भी यहां से देखिए, हम इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन की पहचान करेंगे भी यहां से। तो आप ये देखिए इनकी पहचान कैसे की जाएगी भी, देखिए हमें क्या करना है, पास का रिश्तेदार देखना है हमें, यानी कि जस्ट पास का रिश्तेदार देखना है हमें, दूर के रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है भाई। हमें क्या करना है, पास का रिश्तेदार देखना है हमें, दूर के रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। देखिए भाई ये कार्बन है, ये कार्बन इस पूरी श्रृंखला से तो जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ये कार्बन इस पूरी श्रृंखला से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, कार्बन कितने कार्बन से, एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है भी, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे अपन, 1 डिग्री, क्लियर बात, ठीक है भाई। यहां से अब आप एक बात देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 2 और 3 के लिए कार्बन जुड़ा हुआ रहने में सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इसके पास के रिश्तेदार देखने हैं, मतलब जो इसके डायरेक्ट अटैच में होते हैं, हमारे घर में होते हैं कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो क्या होते हैं, यानी डायरेक्ट क्या होते हैं भाई, अटैच में होते हैं हमारे पास,
और अटैच में होते हैं तो एक कार्बन होता है अन्य तीन कार्बन से, एक दो और ये तीन, तो इसको क्या कहूंगा भाई मैं यहां से 3 डिग्री कहूंगा भाई। ठीक है, यहां से देखिए आप इसकी बात की जाए तो एक कार्बन अन्य दो कार्बन से, तो इसको क्या कहूंगा भाई मैं यहां से 2 डिग्री कहूंगा भाई यहां से। ठीक है भाई, इसमें एक कार्बन कितने कार्बन से, चार से, एक दो तीन और एक चार, तो यहां से क्या भी हटाओ ये 4 डिग्री है, यहां से 1 डिग्री है, यहां से भी क्या भी ये 1 डिग्री है, और ये कितने कार्बन, एक और ये दो, तो फिर ये क्या भी यहां से 2 डिग्री है भी यहां से। ठीक है, इसकी बात की जाए यहां से तो ये कार्बन कितने डिग्री, कार्बन से यहां से दो, एक और ये दो, तो इसको क्या कहूंगा भाई मैं यहां से 2 डिग्री कहूंगा। ये कार्बन कितने, एक दो तीन और एक चार, तो इसको क्या कहेंगे भाई यहां से 4 डिग्री कहेंगे। ये भी यहां से 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये यहां से भी 1 डिग्री। क्लियर बात, अब सुनना मेरी बात, यहां से इस कार्बन की बात करते हैं तो यहां से एक दो और ये तीन, यहां से क्या भी ये अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये क्या भी यहां से 3 डिग्री है भाई यहां से, है ना, तो ये क्या भी यहां से 3 डिग्री है भाई। क्लियर बात, ये कार्बन क्या है अन्य दो कार्बन से, ये कार्बन अन्य दो कार्बन से, तो ये क्या भी यहां से 2 डिग्री है भाई। क्लियर बात, यहां से क्या है 2 डिग्री है, ये कार्बन है अन्य दो कार्बन से तो ये भी क्या भी यहां से 2 डिग्री है। ठीक है भाई, यहां से बात की जाए तो ये कार्बन है अन्य दो कार्बन से तो ये भी क्या भी यहां से 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन एक और एक तो ये भी क्या भी यहां से 2 डिग्री है, तो ये वाला कार्बन भी क्या भी यहां से 2 डिग्री और ये क्या भी यहां से 1 डिग्री। तो इस टाइप से क्या किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान कर ली जाती है। ठीक है, ध्यान देना भी, यहां से बात की जाए तो यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान कर ली जाती। अब आपके पास कभी आपने सोचा होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इनकी पहचान कैसे की जाए, ध्यान इधर दे भाई। अगर यहां से ध्यान देना, मेरे पास ये है तो यहां से देखो आप CH3, यहां से CH2 और ये OH है भाई। ठीक है, है ना, आप ये ध्यान देना भाई, अगर इसकी बात की जाए इसमें एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है 1 डिग्री है भाई। और ये देखिए आप OH समूह किससे जुड़ा हुआ है भाई, यहां से 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। OH किससे जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री से जुड़े होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, यहां से 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। क्लियर बात, अब सुनना मेरी बात, अगर इसे हम बात करेंगे इस जैसे एग्जाम्पल की नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो यहां से क्या भी है CH3, यहां से बात की जाए CH और ये CH3 और लास्ट में यहां से OH होता भी है। ठीक है, तो यहां से देखो एक कार्बन कितने कार्बन से, दो कार्बन से, और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे अपन, 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, तो इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, और यहां से जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा क्रियात्मक समूह तो उसमें हम पढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी आधार पे हम बात करेंगे वे, है ना, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इसी आधार पर क्या किया जाएगा, यहां से बात की जाएगी वे। ठीक है, इसी प्रकार से यहां से बात कर ली जाए तो देखो यहां से एक CH3, यहां से एक और एक CH3 और यहां से एक CH3 और एक यहां से OH, तो एक कार्बन कितने कार्बन से, यहां से अन्य तीन कार्बन से, एक कार्बन कितने कार्बन से, अन्य तीन कार्बन से, तो तीन कार्बन से जुड़े हुए रहेंगे तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे 3 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, 3 डिग्री, और नाम क्या बनेगा भाई इसका, यहां से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो नाम क्या बनेगा भाई इसका, यहां से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा अभी, यहां से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है भी, प्रोसीजर लगातार चलता हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है भी यहां से। तो इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की क्या की जाती है, यहां से पहचान की जाती है। ठीक है, उतारिए जल्दी से, देखिए इसके बाद में यहां से बात की जाए, अगर क्रियात्मक समूह यौगिकों के नाम हो अपने पास में, ध्यान देना भाई, क्रियात्मक समूह यौगिकों के नाम हो भाई, ध्यान इधर दें, अगर बात करेंगे हम यहां से, तो विभिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नाम, नियम नंबर क्या भी यहां से, 5 है भी यहां से। देखो भी बात कर ली जाए यहां से, नियम नंबर 5 है भी, और इस नियम नंबर 5 में ध्यान देना भी यहां से। ठीक है, नियम नंबर 5 की हम बात करेंगे, और इस नियम नंबर 5 में ध्यान देना भी, विभिन्न
देखो यहां से बात की जाए तो विभिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नाम, विभिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नाम, ठीक है भाई, यौगिकों के नाम, तो इनके क्या क्या जाते हैं, इस तरह से नाम वगैरह भी लिखे जाते हैं। अब वो किस तरह से लिखे जाएंगे यहां से ध्यान देना भाई, अगर बात कर ली जाती है यहां से तो आप ये देखिए भी, देखो यहां से देखिए ध्यान देना, यदि एक कार्बन होगा तो इसे एक कार्बन को क्या कहेंगे भी, यहां से फार्म कहेंगे भी, क्लियर बात। दो कार्बन होगा तो दो कार्बन को क्या कहेंगे अपन, यहां से एसिड कहेंगे भी, यहां से क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तीन कार्बन होगा भी यहां से है तो ध्यान देना, और तीन कार्बन को हम क्या कहेंगे भी, यहां से प्रोपियोन कहेंगे भी, है ना, तीन कार्बन को हम क्या कहेंगे भी, यहां से प्रोपियोन कहेंगे भी। यदि चार कार्बन होगा तो चार कार्बन को क्या कहेंगे भी, यहां से ब्यूटीर कहेंगे भी, यहां से क्या कहेंगे, ब्यूटीर कहेंगे। यदि पांच कार्बन हो गए तो पांच कार्बन को क्या कहा जाएगा भी, यहां से वेलर कहा जाएगा भी, यहां से, ठीक है, तो पांच कार्बन को क्या कहेंगे भी, यहां से वेलर कहेंगे भी, क्लियर बात, है ना, यहां से क्या कहेंगे भी, ये वेलर कहेंगे। अब ध्यान देना, जैसे बात कर ली जाए तो सी डब्लो एच है, और सी डब्लो एच को क्या कहा जाता है, ओइक कहा जाता है भी यहां से, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप है सी डब्लो एच तो यहां से, ठीक है, जैसे फंक्शनल ग्रुप है सी डब्लो एच तो इसको क्या कहा जाता है भी, यहां से ओइक कहा जाता है भी, है ना, ओइक अम्ल कहा जाता है, ठीक है भी। यहां से दूसरा फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास क्या, यहां से है देखिए भी, तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो यहां से देखिए भी, अगर बात की जाए यहां से तो जैसे सीओ सी एल होता है, तो देखिए भी सीओ सी एल है तो यहां से इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मिल क्लोराइड बोला जाता है भी। देखिए यहां से क्या बोला जाता है इसको, ऑयल क्लोराइड बोला जाता है भी, ठीक है, ऑयल क्लोराइड, है ना, ऑयल हेलाइड। यदि मेरे पास यहां से क्या हो, अगर बात कर ली जाए यहां से तो देखिए, है ना, तो यहां से हम बात करेंगे तो इसको क्या किया जाता है, यहां से अगर एस्टर हो आर सी डब्लो आर, है ना, यहां से एस्टर हो आर सी डब्लो आर तो इसे क्या लिखा जाता है यहां से, जैसे फार्म प्लस एड बराबर क्या लिखा जाता है, फार्मेट भी लिखा जाता है, ठीक है, आर सी डब्लो आर होने पर, ठीक है। ध्यान इधर दें, अगर अपने पास यहां से एन हाइड्राइड हो, क्या हो भाई, यहां से एन हाइड्राइड हो, ठीक है, एन हाइड्राइड हो तो पीछे क्या लगा दिया जाता है, यहां से एन हाइड्राइड लगा दिया जाता है यहां से, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला क्या बनता है यहां से एन हाइड्राइड का, तो ये देखो सी और डबल बॉन्ड ओ, और यहां से देखिए भी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से बात की जाए तो ये ओ, तो फिर नाम क्या बना दिया जाता है इसका, यहां तो फिर नाम क्या होता है इसका, यानी कि एन हाइड्राइड होता है भी यहां से, ठीक है, क्या नाम होगा इसका, एन हाइड्राइड होगा भी, ठीक है, चले भी। अब यहां से ध्यान देना भाई, यदि बात की जाए तो सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, तो देखिए भाई आपने कभी पढ़ा होगा जैसे फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है ना, प्रोपियोनिक अम्ल है, फार्मेल्डिहाइड है, आदि किस नाम से लिए जाते भी यहां से, ठीक है भाई, है ना। तो यहां से देखो, जैसे मैंने एक कार्बन है तो एक कार्बन H और एस सी डब्लो एच, ठीक है भी, तो यहां से देखो आप एस सी डब्लो एच तो इसको क्या कहा जाता है, यहां से फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, एस सी डब्लो एच है तो इसको क्या कहा जाता है, यहां से फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, क्लियर बात। दूसरी बात है, हम बात करें तो यहां से क्या है, सी एस थ्री और ये सी डबल ओ एच लिया भी, तो ये सी एस थ्री सी डब्लो एच है भी, तो इसको क्या कहा जाता है, यहां से एसिडिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, सी एस थ्री सी डबल एच को क्या कहा जाता है, यहां से एसिडिक अम्ल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कितने कार्बन इसमें, दो कार्बन है, एक और यहां से कितने कार्बन है, दो कार्बन है, ठीक है भी। यहां से बात की जाए प्रोपियोन, तो यहां से देखो आप सी एस थ्री है, सी एच टू है, यहां से देखो आप सी डब्लो एच है भी, तो कितने कार्बन, यहां से तीन कार्बन, मेथ एथ प्रोप, तो फिर यहां से हम बात करेंगे तो नाम क्या बनेगा भी, यहां से प्रोपियोनिक अम्ल बनेगा भी, नाम क्या बनेगा भी, यहां से प्रोपियोनिक अम्ल बनेगा भी, क्लियर बात। इसी के बाद में बात की जाए भी यहां से, तो मेरे पास एग्जाम्पल भी है, देखो आप यहां से बात कर ली जाए यहां से, तो एच सी ओ सी एल भी है, क्लियर बात, एक कार्बन है तो इसे फार्म, है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, फार्म प्लस ऑयल क्लोराइड, तो इसको हम देखे यहां से फार्म प्लस ये ऑयल क्लोराइड, है ना, तो ऑयल क्लोराइड, और यहां से इसका जो नेम होगा, तो नेम क्या होगा इसका भी, यहां से फार्मेल क्लोराइड,
है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, यहां से फार्मेल क्लोराइड कहा जाता है। तो इस तरह से नाम हो जाता है भी यहां से, तो इसे क्या कहा जाता है, यहां से फार्मेल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। यानी कि फार्म प्लस यहां से इल, तो फिर यहां से देखो आप, यहां से अगर बात कर ली जाती है तो फिर देखो इल हेलाइड और इल हेलाइड यहां से है, देखो तो इसका नाम लिखा जाएगा भी यहां से, तो देखो इल क्लोराइड, सॉरी ऑयल नहीं आएगा यहां से, क्या आएगा, इल आएगा भी, है ना। तो यहां से देखिए अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम आ जाएगा इसका, फार्म प्लस इल, ध्यान इधर दें, फार्म प्लस इल क्लोराइड, तो नाम क्या बनेगा अभी इसका, फार्मिल क्लोराइड, ठीक है। अभी नाम क्या बनेगा अभी इसका, यहां से फार्मिल क्लोराइड बनेगा अभी, क्लियर बात, है ना, यहां से नाम क्या बनेगा, फार्मिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है भाई। आप यहां से ध्यान देना, इसके बाद में यहां से बात की जाए नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए, यहां से क्या भी अगर बात करेंगे तो CH3 CO और HCl भी, तो यहां से दो कार्बन है, तो यहां से एसिड है ना, यहां से क्या है एसिड और प्लस यहां से क्या है इल क्लोराइड, है ना, एसिड प्लस क्या है भी यहां से इल क्लोराइड है, तो फिर नाम क्या बनेगा भी यहां से एसिटिल क्लोराइड बनेगा, है ना, यहां से नाम क्या बनेगा भी ये एसिटिल क्लोराइड बनेगा, क्लियर बात। तो यहां से इस प्रकार से प्रोसीजर लगातार चलता हुआ रहता है भी यहां से, है ना, ये प्रोसीजर क्या होता है, इस प्रकार से यहां से लगातार चलता हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या किए जाते हैं, इन यौगिकों के नाम वगैरह रख, है ना, तो इन यौगिकों के नाम वगैरह यहां से रख दिए जाते हैं भी, ठीक है, चले भी। तो यहां से है ना, तो अगले उदाहरण यानी कि, तो इस तरह से क्या किए जाते हैं, ये नियम नंबर 5 के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहां से एग्जांपल्स बताए, आप आगे मैं आपको यानी कि और ट्यूशन दूंगा तो आप आगे इनके यानी कि एग्जांपल्स और सोल्व करें, आप जब इनके प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के दौरान आपको धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएंगे भी यहां से, यानी कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर IUPAC की बात की जाती है तो यहां से देखिए आप, नामकरण की जो पद्धतियां होती है तो इनमें क्या होता है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। आप ये देखिए अगर बात कर ली जाए तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें नाम नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ही ज्यादा क्लियर होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो नेम वाली रिएक्शन है, हेलवोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया है, यहां से MPV अभिक्रिया, मिरवाइन पोंड्रोप वाली अपचैन अभिक्रिया, आदि जितनी भी जो अभिक्रियाएं होती है, आप उन सब अभिक्रियाओं को लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें भाई। आप जब यानी कि उनको लिख लिख कर याद करेंगे, जब जाकर वो टॉपिक क्या होगा आपके, कंप्लीट होगा भी यहां से, इस तरह से भी, ठीक है। तो आप यानी कि इसकी प्रैक्टिस करें, कल वाले वीडियो में हम मिलेंगे IUPAC पद्धति के बारे में, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और JET ICR और BHU के अंदर उसके यानी 100% रूप से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे भाई, 101% गारंटी देता हूं मैं, IUPAC के क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे JET ICR और BHU, और आपका भी JET और यानी कि ICR और BHU का तो एग्जाम आने वाला है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें आप यानी कि, और हमारे अगले जो आने वाले नए नए वीडियो हैं वो आपको यानी कि आपकी सफलता की मंजिल निश्चित रूप से आपको दिलाएंगे भी, ठीक है, आपके यानी कि आपका लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा भी, ठीक है भी, चले बाय आज की।